भौरगढ़ अत्यधिक बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हुए मकान की सहायता के लिए महिलाओं ने जनपद सीईओ से लगाई गुहार। जनपद पंचायत खैरलांजी अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भौरगढ़ का मामला प्रकाश में आया है। ग्राम भौरगढ़ की कुछ महिलाएं लक्ष्मी लिल्हारे, सत्यशीला मस्करे, सुनंदा पाटिल, पंचवटी लिल्हारे सभी ने आज 4 सितंबर को जनपद सीईओ से अपनी समस्या को लेकर गुहार लगाई। महिलाओं ने बताया कि कुछ समय पूर्व आई बाढ़ से हमारे मकान क्षतिग्रस्त होकर धराशायी हो चुके हैं। वर्तमान में उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। कोई किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ शरण लेकर रह रहा है, तो कोई तंबू गाड़कर, तो कोई खुले आसमान के नीचे अपने सामान के साथ रहने मजबूर है। महिलाओं की शिकायत है कि जब इसकी जानकारी स्थानीय पटवारी को दी गई, तो पटवारी ने गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मरो या बचो, मैं कुछ नहीं कर सकता। वहीं ग्राम भौरगढ़ से सत्यशीला मस्करे ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ पिछले 10 वर्षों से भौरगढ़ में निवासरत है, किंतु उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया गया है। सत्यशीला रोड किनारे एक झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ रहती है। सत्यशीला बताती है कि वह अपनी व्यथा लेकर पटवारी के पास गई, तो पटवारी द्वारा धमकी दी गई कि जैसे रह रहे हो वैसे ही रहो, वरना झोपड़ी उठाकर फेंक दूंगा। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर उक्त सभी महिलाओं ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मांग की है कि पटवारी के इस रवैये से उस पर कड़ी कार्यवाही की जाए एवं हमें हमारी समस्याओं से निजात दिलाई जाए। MPCG 24 समाचार के लिए खैरलांजी से फिरोज डोंगरी की रिपोर्ट। उसका भी कुछ नहीं मिलेगा बोलता है राव, ऐसे करके बोले को पटवारी ने। अने आप लोगों को कोई अने सहायता नहीं मिल रही? कुछ भी सहायता नहीं मिल रही है अपने को। आपके द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया? हाँ, आज तो गए थे अपन, पूरे भाई गए थे, पूरे भाई लोग गए थे अपन। और कोई समस्या कलेक्टर के पास भी गए थे? हमारे यहाँ मकान है, पट्टा नहीं है, कुछ नहीं है, जमीन भी नहीं है, झिल्ली बिछा दी है, पूरी दीवार है तो गिली हो गई है, मरने के अलावा कुछ चारा नहीं है। गिरेगा और हमारे आंखों पर गिरेगा और मरेंगे तो हमारी जवाबदारी आप लोगे, अधिकारी लेंगे। और आपके क्षेत्र से कुछ महिलाएं बहुत परेशान नजर आ रही है और बाढ़ से संबंधित है, आप क्या कहना चाहोगे? विगत दिनों में हम सभी लोगों को पता है कि बहुत अधिक अत्यधिक बाढ़ आने के कारण और खास करके ग्राम भोरगढ़ में वैनगंगा नदी होने के कारण बाढ़ इतनी अधिक आ चुकी थी कि आज तक की इतना भी रिकॉर्ड तोड़ के बाढ़ नहीं आ पाई थी। तो जो हमारी जो गांव की जो सम्मानित अपने अधिकारों के लिए महिला जो कलेक्टर ऑफिस तक गई थी और वास्तविक चीज़ों के लिए अपने अधिकारों को पाने के लिए गए थे, तो इतने बाढ़ में हमारे महिलाओं के कुछ लोगों के मकान डूबे हुए थे और कुछ लोगों के मकान पहले से ही समझो टूटे फूटे मकान में कई पन्नियाँ ढाके रह रहे हैं। तो निश्चित ही कलेक्टर ऑफिस से लेकर जिला जनपद के सीओ साहब तक आए थे कि हमको रहने के लिए मकान सरकार की ओर से आवंटित किया जाए। अपनी मांगों को लेकर और अधिकारी को लेकर यहाँ तक ये लोग ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हुए थे और चाहे कलेक्टर साहब हो चाहे जनपद के सीओ साहब हो, निश्चित ही उन्हें नियम के साथ में और सही गाइडलाइन के माध्यम से इनको जो उन्होंने जो अपनी मांग जो दिए है उनको पूरा करने में उन्होंने सहयोग करना चाहिए। जी, कुछ महिलाओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। अब ये जो महिला है, खैर ज्ञापन देते समय तो मैं नहीं था, लेकिन ये जो निश्चित जो बता रहे कि इस प्रकार अधिकारियों ने जो कहा है कि भाई आपका मकान तो स्लेब का है और आप क्या आप डायरेक्ट सरपंच बनेंगे तो क्या राशन दे देंगे, तो ये जो जो बातें हैं निश्चित ही गाँव की ग्रामीण की महिला आती तो निश्चित हम उनको सही रास्ते में सही गाइडलाइन में उनको बात करना चाहिए ताकि सामने वाले जो लोग हैं संतुष्ट हो सके अधिकारियों के माध्यम से। अरे, पटवारी के बारे में भी कुछ अभद्रता का व्यवहार बता रहे हैं? पटवारी भी नहीं आया, उधर सर्वे करने आया ही नहीं। इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? हाँ, इस संबंध में मुझे तो अभी कोई जानकारी नहीं कि पटवारी ने इनके घरों में आके इनको किस प्रकार का जांच सर्वे किया और क्या इनसे बातों के माध्यम से किस प्रकार से इनसे बात की। सचिव भी नहीं आया, कोई सरपंच नहीं आया।